हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के जो पहले 2 वीक होते हैं उसमें आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या आपको एक्टिविटी करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी का जो पहला 2 वीक होता है ये तो जनरली किसी को पता नहीं चलता उस टाइम पे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि जब तक रिपोर्ट आता है और जब तक हम प्रेगनेंसी किट में देखते हैं तब तक हमारा ऑलमोस्ट 1 महीना या फिर 1.5 महीना निकल चुका होता है। तो जो प्रेगनेंसी का पहला 2 वीक है वो कौन सा हुआ, जब आपका लास्ट पीरियड आता है, लास्ट पीरियड का डेट है, उसके बाद से 2 वीक इसे हमें काउंट करना है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या खान पान रखना है, क्या एक्टिविटी करनी है, ताकि आपका कंसीव सक्सेसफुल हो और आपकी प्रेगनेंसी हो। पहले मैं स्टार्ट करूंगी डाइट से कि आपको खाने में क्या क्या लेना है, क्या डाइट फॉलो करनी है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको सभी कुछ नहीं खाना है, बस आप 2 चीजें ध्यान में रखें, अखरोट और एलमंड्स, अखरोट और बादाम, ये आपको जरूर खाना है। अखरोट आप 1 से 2 खा सकते हो और एलमंड्स आप 4 से 5 खा सकते हैं। 5 एलमंड्स खाएं और 2 अखरोट, या फिर 1 अखरोट भी चलेगा। अखरोट और एलमंड्स में DHA होता है, जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बेबी का इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स में एलमंड और अखरोट जरूर खाएं, खासकर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स में। वैसे तो आपको ये प्रेगनेंसी के पूरे मंथ में ही खाना है। ड्राई फ्रूट्स आप छिलके के सहित खा सकते हो। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि छिलके के सहित खाएं या ना खाएं, आप इसे रात भर भिगोएं और छिलके सहित आप खा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर आपको लेना है। अब फाइबर किन किन चीज़ों में आता है, तो होल ग्रेन अनाज हो गया, इसके अलावा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इन सब में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फाइबर से हमारे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होता है। इसके साथ ही फाइबर सैलेड में होता है, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया। तो आप फाइबर में होल ग्रेन इंक्लूड करें, जैसे कि रोटी, चावल, इसके साथ ही ब्रेड भी आप खा सकते हो, मल्टीग्रेन ब्रेड, सैलेड हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ये खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है होल ग्रेन, आपको होल ग्रेन खाना है। होल ग्रेन में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, मिनरल्स, ये सब कुछ अवेलेबल होते हैं। प्रेगनेंसी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो तो आप ये ध्यान दें कि आप होल ग्रेन खाएं। कोशिश करें कि आप रिफाइंड आइटम बंद कर दें, जैसे कि बेकरी आइटम हो गया, मैदा का कोई भी आइटम, रिफाइंड कोई भी ग्रेन, ये सब आपको नहीं खाना है, क्योंकि इससे डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैदा या फिर मैदे से बनी चीज़ें बहुत लेट से डाइजेस्ट होता है। क्योंकि हमारा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट 2 वीक होता है उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खासकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी है। वेजिटेबल्स तो आप 2 बार दिन में जरूर लें, लंच हो गया और डिनर हो गया। अगर आप इन दोनों से किसी एक टाइम पे नहीं ले रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप जो भी रेसिपी बनाते हो, जैसे कि उपमा हो गया, पोहा हो गया, फुल वेजी पोहा, या फिर वेजिस के साथ आप उपमा या कुछ चिल्ला बना सकते हो। अगर आप अंडा खा रहे हो तो आप इसमें भी ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम, गाजर, ये सब तो काफ़ी ही कॉमन है। तो ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, बेल पेपर्स हो गया, या फिर जो भी सीजनल आपको वेजिटेबल्स मिल रहा है आप वो लें और वेजिटेबल्स आप खास कर खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स भी आप कोशिश करें कि दिन भर में 2 तो मिनिमम आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पॉइंट है पानी। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। आप कोशिश करें कि एक दिन में आप करीब 3 से 4 लीटर पानी पिए, क्योंकि जो हमारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट 2 वीक होता है उसमें डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है। कई बार महिलाओं को चक्कर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत कमजोरी लगता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। कोकोनट वाटर लें, नारियल पानी लें। नारियल पानी के अनेकों फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, प्लस एक ठंडक बनी रहेगी। तो आप कोशिश करें कि आप नारियल पानी लें। अगर आप नारियल पानी पीते हो तो काफ़ी ही अच्छा है। अब आपको खाना कैसे खाना है, आपको मील कैसे लेना है,
तो देखिए, जहां आप पहले इकट्ठा दिन भर में 3 मील लेते थे, एक बार में इकट्ठा एक ही मील लेते थे, आप कोशिश करके अब उसे आप 5 से 6 बार में डिवाइड कर दें। आपको एक बार में क्वांटिटी कम रखनी है और खाने का जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो बढ़ा देना है। इसके एक फायदे ये है कि आप सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस लोगे, जो भी आपके डाइट में जितना भी हेल्दी खाना है आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ी देर के बाद दही खा सकते हो, थोड़ी देर के बाद सैलेड खाएं, पर उसे हर एक 2 घंटे या फिर 1 से 2 घंटे के बीच में आप डिवाइड कर लें। उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस कई बार महिलाएं खाना छोड़ देती है, उनसे इकट्ठा खाना नहीं खाया जाता। तो आप इसे थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दें, आप देखोगे कि आपने सारा खाना भी खा लिया और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो, प्लस इजिली आपको डाइजेस्ट भी होगा। तो आप इकट्ठा खाने की बजाय इसे थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दें, मील की फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा दें और क्वांटिटी कम कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है वॉक। आप कोशिश करें कि आप वॉक तो कम से कम करो ही। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ठीक है, वैसे डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला 3 महीना होता है, उसमें आप कोई हार्ड एक्टिविटी ना करें। हो सके तो आप नॉर्मली वॉक करो या जॉगिंग करो, आपके बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो बहुत आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस की भी और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थकावट महसूस हो रहा है तो आप उस टाइम पर रेस्ट करें। आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्रॉपर स्लीप हो, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इस कई बार महिलाओं को रात में सोने में दिक्कत होती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उसे दिन में शिफ्ट कर दें और आप दिन में नैप लें, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। और रेस्ट करने से हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और इससे बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होता है। जो बेबी के एक्चुअल ग्रोथ होने चाहिए वो होता है, क्योंकि जो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खास कर ध्यान दें कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले, आप अपनी नींद पे ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलिक एसिड। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप कि खासकर आप अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड जरूर लें। आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन फॉलिक एसिड लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करें, डॉक्टर से सलाह से तभी आप फॉलिक एसिड लें। क्योंकि कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसा करती हैं कि जब उनका 3 महीना निकल चुका होता है तब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं, लेकिन फॉलिक एसिड हमें खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना होता है, तो आप फॉलिक एसिड लें। और अगर आपने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया तो आप उस टाइम पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं, क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल फॉलिक एसिड के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, नेचुरल फॉलिक एसिड हमारे डाइट में ही होता है, क्योंकि उसमें नेचुरली सारे फॉलिक एसिड होते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देंगे, इसलिए आप डॉक्टर से अपना जरूर चेकअप करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर से चेकअप करवाना। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो, आपके प्रेगनेंसी के खासकर पहला जो 2 वीक है, आपको उस टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि पहला जब 3 महीना निकल जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाना सही समझती हैं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। आप फर्स्ट मंथ से ही डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हो तभी से आप डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो, जो इसेंशियल विटामिन, आयरन, किसी चीज़ की कमी हो, तो डॉक्टर उसे सप्लीमेंट्स दे करके इसे फुलफिल करेंगे। इसलिए आप डॉक्टर से जरूर अपना चेकअप करवाएं कि आपकी बॉडी रेडी है कि नहीं प्रेगनेंसी के लिए। और अगर आप डॉक्टर से चेकअप करवाते हो और आपके बॉडी में अगर कुछ कमी निकलती है तो डॉक्टर उसे सप्लीमेंट्स देकर के ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया फॉलिक एसिड, अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देंगे, या इसे बेबी का डेवलपमेंट सही होगा, प्लस बेबी को कुछ बीमारियों से ये बचाता है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया। लास्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी का जो पहला 2 वीक है, कंसीव का टाइम, टाइम पे आपको कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है, कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है जिससे कि आपके कमर पे प्रेशर पड़े और आपके लोअर एब्डोमिन पर प्रेशर पड़े। तो आपको ये अवॉइड करना है, उस टाइम पे आप रेस्ट लें, कोई भी हैवी सामान ना उठाएं, कोई भी घर के भी कोई काम काज होते हैं जैसे भारी चीजें इधर से उधर ना करें, इससे कंसीव में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो आपकी प्रेगनेंसी फेल भी हो सकती है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, खासकर फर्स्ट मंथ में आप रेस्ट लें। वैसे तो आपको रेस्ट लेना होता है पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में आप रेस्ट लें। और अगर आप कंसीव की प्लानिंग कर रही हो तो आपको कोई भी भारी भरकम सामान नहीं उठाना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। ये कुछ टिप्स थे, इसे आप फॉलो करें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके प्रेगनेंसी के दौरान। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।